मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जन सुनवाई के तहत यहाँ सर्किट हाउस में आए हैं और बहुत सारे लोग हैं जो अपनी अपनी मांगों के तहत यहाँ पर आए हैं। नमस्कार जी। जी सर नमस्कार। मैं प्रदेश अध्यक्ष कुणाल राठौड़ पूरे राजस्थान से। और किस चीज के प्रदेश अध्यक्ष साहब? हम हैं सर सामाजिक अंकेशन संघर्ष समिति से। अच्छा। हम पिछले 10-12 साल से सामाजिक अंकेशन का कार्य कर रहे थे। उसमें जो अरुणा राय फाउंडेशन है उसने अपने अपने अलग अलग जो एनजीओ के फाउंडेशन है जैसे मंजरी फाउंडेशन है, सूचना रोजगार अभियान है आदि, उनको इस सामाजिक अंकेशन समिति में लाकर हमारे जो युवा हैं उनको बेरोजगार कर दिया है और हमारे पेट की रोजी रोटी छीन ली है। हम गहलोत सरकार से यही मांग करने आए हैं कि एनजीओ को हटाकर और हमें पुनः नियोजित किया जाए। आप पहले ये बताएं दर्शकों को कि सामाजिक अंकेशन समिति का मतलब काम क्या था जो आपका? सामाजिक अंकेशन समिति का काम ये होता है राज्य सरकार के द्वारा हर ग्राम पंचायत में पंचायत समिति द्वारा सामाजिक अंकेशन कार्य करवाया जाता है, जिसमें नरेगा के कच्चे काम, पक्के काम और आवास निर्माण है, शौचालय निर्माण है, उन सभी का हम है जो अंकेशन करते हैं और उसी की रिपोर्ट हम पंचायत समिति को प्रस्तुत करते हैं। पंचायत समिति जिला परिषद को करती है, जिला परिषद जयपुर प्रस्तुत करती है ग्रामीण विकास विभाग को। और हमारे मतलब पूरे कितने वर्षों से आप लोग इस? हम पिछले 14 वर्षों से सर। ये समिति कब से सक्रिय है? ये सर समिति हमारी 2008 से सक्रिय है सर। 2008 से सक्रिय है। और आप लोग मतलब समिति 2008 से सक्रिय थी जी, जिसको निष्क्रिय कर दिया। निष्क्रिय कर दिया। अभी आप लोगों का क्या जो जॉब था वो चला गया? ये सर कितने वर्षों पहले चला गया? ये सर अभी 6 महीने पहले। 6 महीने पहले। वजह क्या थी? वजह ये थी सर, अरुणा राय फाउंडेशन आया और सूचना रोजगार अभियान आया, जो एनजीओ का आदमी है सारे, और वो मतलब हमारी क्वालिफिकेशन के देखते हुए वो सिर्फ 9वीं-10वीं पास वाले लड़कों को लगा रहे हैं, जबकि हमारी एमए बीएड और हम अच्छे लेवल के पढ़े हुए हैं और हम गुणवत्तापूर्ण जांच कर सकते हैं, लेकिन हमको हटाकर एनजीओ को लाया जा रहा है, जो कतई हमें बर्दाश्त नहीं होगा। हम आंदोलन करेंगे, जयपुर में होगा तो माँ पड़ाव करेंगे। अभी आपको अशोक जी गहलोत के पास आज जो है जन सुनवाई के तहत आप लोग ये आए हो जी सर, तो आप लोगों ने क्या ज्ञापन दिया? क्या हमने सर ज्ञापन दिया मुख्यमंत्री जी को और अलवर, भरतपुर से, सीकर, झुंझुनू से, सब जगह से, पूरे राजस्थान से आए हो? अच्छा। अभी मुख्यमंत्री जी ने आपको क्या? मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि मैं इसको देखूंगा और आगे जो भी होगा। इससे पहले आपने कहाँ कहाँ? इससे पहले हमने जो जिला कलेक्टर लेवल पे पहले हमने ज्ञापन दिया, उसके बाद में जयपुर में दिया ज्ञापन, जो प्रमुख शासन सचिव मैडम अपर्णा अरोड़ा जी को, के पाठक जी को, मंजू राजपाल मैडम को और जो सीएस उषा मैडम उनको भी दिया। और उन्होंने क्या बोला? उन्होंने ये कहा कि हम आगे कार्रवाई करेंगे और एनजीओ को हटाएंगे। कोई कार्रवाई हुई आज? जो पंचायत राज मंत्री थे रमेश मीणा जी, उनको भी हमने ज्ञापन दिया था, उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया ठीक है हम एनजीओ को हटा देंगे, लेकिन हमारे साथ ये हुआ धोखा कि एनजीओ का जो नाम था सूचना रोजगार अभियान, उसको सिर्फ छत को हटाया गया, बाकी आदमियों को नहीं हटाया गया, जो हमारे साथ एक तरह से सरकार के साथ भी जालसाजी करी। आदमी वही है, एनजीओ का नाम हटा दिया। आप लोगों की क्या सैलरी थी? हमारी ये सर 500 रूपए, जो ब्लॉक संसाधन है उनके 500 रूपए प्रतिदिन थे और जो ग्राम संसाधन है उनके 300 रूपए प्रतिदिन थे। और हम आज सरकार को यह भी कहना है कि हमारा जो मानदेय है वो मासिक मानदेय किया जाए और हमारा यात्रा भत्ता भी दिया जाए, यही सरकार से हमारी गुजारिश है। तो आप मौजूदा सरकार में ही ये चीजें हुई है और आप मौजूदा सरकार के मुख्यमंत्री से मिले हैं जी, जी। और अभी ये आप लोगों ने निवेदन किया कि हमारी कोई ये जो मांगे हैं दो इनको पूरा किया जाए जी, जी। अच्छा, क्या कोई टाइम पीरियड दिया है कि इतने दिनों के बाद में? टाइम पीरियड तो कुछ नहीं है सर, अभी टाइम पीरियड कुछ नहीं दिया है, लेकिन ये है कि हम सरकार को टाइम देते हैं कि हमारी मांगों का 10 दिन में निस्तारण नहीं हुआ तो जयपुर में महापड़ाव का आयोजन किया जाएगा। और आप सभी लोग आप कहाँ से हो? भरतपुर, अलवर, मतलब ये पूरे